Hey, all my dear students. So, Camino 4. Right now, I'm going to deal with this Camino for your board examination. Board exam is very important. 4 and Camino 4 reactions. So, my dear students, as I have told you, I'm going to deal with the memory chart. This is the best technique to get maximum score, or you can say full score. Isko अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा राइट और कमेंट सेक्शन में देख बताएंगे कि कैसा लगा सो डियर स्टूडेंट्स लेट स्टार्ट विथ कैमेनो फोर देर नहीं करते हैं बिल्कुल भी कि एमेनोफोर ये आपका कैमेनोफोर जस्ट ए सेकेंड जस्ट ए सेकेंड देख रहे हैं सब जगह बोर्ड पे केवेन फोर फोर ही हो गया इसका कैमनो फोर की बहुत दम है देख रहे हैं कैमनो फोर ही केवेन फोर हो गया मैं कैमन फोर को पेपर बोलता हूँ पी पी आर तुम भी जानना चाहते हो कि मैं इसको पी पी आर क्यों बोलता हूँ कितने लोग जानना चाहते हो चैट सेक्शन में लिखकर बताएं कि मैं इसको पी पी आर क्यों बोलता हूँ इस पी पी आर की दो मतलब है एक तो मैं मैग्नेट बचपन से ही पोटेशियम मैग्नेट और पोटेशियम पर में बहुत कंफ्यूज रहता था यार कौन सा पोटेशियम पर है कौन सा मैग्नेट है तो मैंने बनाया पेपर पीपीआर पीपीआर का फुल फॉर्म क्या है पोटेशियम पर पीपीआर पोटेशियम पर एक तो ये फायदा हो गया मुझे कि मुझे याद हो गया पोटेशियम पर मैंगनेट नाम में कोई कंफ्यूजन नहीं रहा बरना बार बार मेरे कॉन्फिडेंस को हिला देता था दूसरा एक फायदा हुआ मुझे बहुत ही बेहतरीन पी फोर पिंक एंड रेड और एनसीआर तो यहां तक कहती है इट इज ऑलमोस्ट ब्लैक इन कलर ऑलमोस्ट ब्लैक ऑलमोस्ट ब्लैक सो दीज आर द कलर्स अब आप कहेंगे सर कंपाउंड एक है इतने सारे कलर का मतलब क्या है माइडियर स्ट्रेंड्स होली के टाइम आने वाली है होली होली कब है <laughs> तो होली के टाइम में हम सॉलिड कलर डालते हैं जब सॉलिड कलर डालते हैं तो सॉलिड का कलर बहुत डेंस होता है जितना डायल्यूशन करते जाओगे पानी बढ़ाते जाओगे कलर उतना लाइट होता जाता है सो ऑल डिपेंड्स ऑन डैट सो दिस पोटेशियम पर मैगनेट अगर इसको हम दे दें कैसा मीडियम एसिडिक मीडियम दे दें एसिडिक मीडियम तो ये क्या बनाएगा हम इसको बेसिक मीडियम दे दें दे तो क्या बनाएगा इसको हम न्यूट्रल मीडियम दे दें दे तो क्या बनाएगा इसको हम स्ट्रांगली बेसिक मीडियम दे दें तो ये क्या बनाएगा आइए देखते हैं किस मीडियम में ये क्या बनाएगा भाई साहब इसको अगर मैंने दिया एसिडिक मीडियम कैसा मीडियम एसिडिक मीडियम तो ये जो पोटेशियम पर मैगनेट है राइट ना इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस सेवन है सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा प्लस सेवन मीन्स मैंगनीज का एटॉमिक नंबर ट्वेंटी फाइव होता है ट्वेंटी फाइव मीन्स फोर एस टू थ्री डी फाइव इसने सेवन इलेक्ट्रॉन्स लूज किए सेवन मतलब फोर एस टू से दो खो दिए और डी फाइव से खो दिए दैट मीन्स इसका डी ज़ीरो हो गया 4SB0 ho gaya. no unpaired electrons left. So, why it is colored, my dear friends? It is colored due to charge transfer spectra. Question pucha jayega, it is not having any unpaired electron, then also it, also it is colored. So, it is due to charge transfer spectra, not due to DD transition. Now, acidic medium, it will gain. फाइव इलेक्ट्रॉन्स कितने इलेक्ट्रॉन ले लेगा पांच इलेक्ट्रॉन ले लेगा ले ले तो देखिए पांच जब इस पर माइनस आ जाएगा तो सात प्लस सेवन माइनस फाइव कितना होता है मैथ स्ट्रॉन्ग है सात में से पांच गया तो दो तो हमें मिलेगा एम एन प्लस टू कलरलेस सॉल्यूशन कलरलेस सॉल्यूशन कलरलेस सॉल्यूशन दिस इज कलर सॉल्यूशन माय डियर स्टूडेंट्स अगर ये न्यूट्रल मीडियम में जाता किस में जाता बच्चा लोग न्यूट्रल मीडियम अगर ये न्यूट्रल मीडियम में जाता या फिर मैं आपको बता दूं जो गलत करता है बच्चा ये फेंटली एल्क्न दोनों एक ही मतलब है फेंटली एल्क्न मीडियम लिख दूं मैं या न्यूट्रल मीडियम लिख दूं दोनों में ये बनाएगा ब्लैक कलर्ड पाउडर एम एन ओ टू एम एन ओ टू में, में मैगनीस की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस फोर है कितनी है प्लस फोर दैट मीनस सात से चार तीन इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए तीन इलेक्ट्रॉन यहीं पर मैं आपको बताना भी चाहूँगा अभी थोड़ी देर में इसका इक्वलेंट पहले अगर इसको मिल जाता है स्ट्रॉन्गली बेसिक मीडियम कैसा इट इज़ गेटिंग स्ट्रॉन्गली बेसिक मीडियम तो बात कुछ अलग हो जाएगी और ये बनाएगा ग्रीन कलर्ड हरा तोता के टू एम एन ओ फोर जो कि मैं बात कर रहा था मैं कन्फ्यूज़ हो जाता था ये पोटेशियम पर मैंगनेट एंड पोटेशियम मैंगनेट ये वही है पोटेशियम मैंगनेट याद रखना ग्रीन कलर्ड इसका नाम क्या है पोटेशियम मैंगनेट मैंगनेट पोटेशियम मैंगनेट इसका नाम है पोटेशियम मैंगनेट इसने कितना इलेक्ट्रॉन लिया सात से प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट में गया दैट मींस इट हैज गेन्ड वन इलेक्ट्रॉन इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया मेरे प्यारे बच्चा लोग अगर यहाँ पर इक्वलेंट मास की बात की जाए तो इक्वलेंट मास कितना कितना आएगा? इसका मॉलिक्युलर मास 158 होता है केमोनोफोर का। तो इक्वलेंट मास इज़ इक्वल टू 158 डिवाइडेड बाई 5, पांतीस पंद्रह, पाँच एकदम पाँच, और तीन, पाँच छक्का तीस, 31.6। अगर मैं बात करता हूँ कि इस न्यूट्रल मीडियम या फेंटली अल्कलाइन मीडियम में, तो 1 डिवाइडेड बाई तीन इलेक्ट्रॉन लिया तीन छोनी छीन छिफ्टी टू पॉइंट सिक्स और, और, और यहाँ तो एक ही लिया तो वन फिफ्टी एट डिवाइडेड बाई वन वन फिफ्टी एट सो दिस इज द इनिशियल थिंग आई वुड लाइक टू से दिस इज द स्टार्टिंग थिंग अबाउट केवन ऑफ फोर नाउ दिस इज नॉट द होल टोटल अबाउट केवन ओ फोर वट इज गोइंग टू हैपन सी माइ डे अभी तो पार्टी शुरू हुई है अब देखिए बहुत ध्यान से देखेंगे अगर इस के टू एवन ओ फोर को अगर इस के टू एवन ओ फोर को मैं मीडियम चेंज कर दू न्यूट्रल मीडियम कर दूं तो दिस के टू एवन ओ फोर विल अंडर गो डिस्प्रपोर्शनेशन इन विच मीडियम I would like to say in neutral medium or acidic medium, it will disproportionate. It will disproportionate in neutral medium. Either you can say in neutral medium or acidic medium, it will change into MNO2 as well as this. These two colored.

केवेनो फोर को कैसे प्रिपेयर किया जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स लेट सी अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ यू प्रिपेयर केवनो फोर लेकिन उससे पहले आपको ये मेमोरी चार्ट याद होना चाहिए इसको बोलते हैं इसमें मीन्स अलॉन्ग विद सम इम्प्योरिटीज पायरोलोसाइटोर पायरोलोसाइटोर एमन ओथो देख रहे हैं प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट में है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स अगर इस एम एन प्लस टू का हम ऑक्सीडेशन कर दें ऑक्सीजन of of oxygen, तो, oxygen तो इसका सारा इलेक्ट्रॉन ले तो लेगी ले तो अगर मैं कहूं कि भैया सारा इलेक्ट्रॉन नहीं देना है देखिए ऑक्सीजन लुटेरी होती है और ऊपर से मैं एक्सेस ले लू स्ट्रग ऑक्सीजिंग एजेंट इसके पास तीन इलेक्ट्रॉन देने के लिए सारा ले लेगी और एम एन प्लस सेवन बना देगी लेकिन अगर यहाँ पर मैं मीडियम बेसिक बना लूँ फॉर एग्जाम्पल सॉर्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड ये स्ट्रोंग एसिड हो गया तो मैं यहाँ पे क्या ले लूँ के टू सी ओ थ्री ले लिया सॉल्ट ऑफ स्ट्रांग बेस वीक एसिड बेसिक मीडियम अब बेसिक मीडियम में कौन स्टेबल है के टू एम एन ओ फोर स्ट्रांगली बेसिक है तो आपको मिलेगा यही ग्रीन कलर्ट क्या ग्रीन कलर के टू एवेनो फो नाउ इफ आई रिएक्ट दिस के टू एवन ओ फोर इन न्यूट्रल मीडियम तो आई विल गेट कैमनो फोर एंड दिस दैट मीन्स एवेनओ टू में मैं डाल दू अगर स्ट्रोंगली बेसिक मीडियम तो इसमें चेंज हो जाएगा और फिर उसका मैं रिएक्शन करा दूँ के टू एवन ओ फोर का किस मीडियम में न्यूट्रल मीडियम में तो आई विल गेट टू प्रोडक्ट इन न्यूट्रल मीडियम आई विल गेट टू प्रोडक्ट्स वाटर दे दे आर वन केवेर And another one is K2MNO4. So this is really very very important. And one more thing: if you heat this KMNO4 at 513 Kelvin, 513 Kelvin, then you will get K2MNO4, K2MNO4 plus black colored powder MnO2. तो ये तो इंटर कन्वर्जेंस हुए कि किससे क्या मिलेगा नाउ नॉमाईडियस केमेनोफोर की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज देखते हैं कि कैसे कैमेनोफोर किसी को ऑक्सीडाइज करता है लेट्स सी सबसे पहले हम केमेनोफोर को देखते हैं एसिडिक मीडियम में दिस इज आर कैमनोफोर इन एसिडिक मीडियम वॉट इट इज गोइंग टू डू सी प्लस सेवन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कैमनोफोर थोड़ा ज़्यादा बोल्ड लिखा है थोड़ा इसको पतला लिखते हैं जिससे कि हमें जगह मिल जाए के एम एन ओ फोर स्टेट नो इलेक्ट्रॉन टू डोनेट और ये बनना क्या चाहता है एसिडिक मीडियम में डेफिनेटली इट विल कन्वर्ट इन टू कलर एम एन प्लस टू कलरलेस है तो इसको मैं व्हाइट कलर से बना दूं या किसी और कलर से बना दूं जिससे कि आपको आइडिया रहे कि भाई तू तो कलरलेस है इससे इस वो बना और वो कलरलेस है डेफिनेटली तो हमको पता चलना चाहिए कि कैसे बने हो तुम और क्या हुआ है और क्या करना है अब इसको यहां से वहां तक जाने में पांच इलेक्ट्रॉन मिले देखिए मैं एलिमेंट को इंसान मानता हूँ और इलेक्ट्रॉन को पैसा मानता हूं अगर इस सफ़र में इसको पाँच इलेक्ट्रॉन मिले हैं पाँच करोड़ रुपया मिला है तो किसी ने तो दिया होगा कोई तो लूटा होगा आइए देखें लुटने वाले कौन है ये किस किस को लूटेगा इसको रास्ते में मिल गया फ़ेरस तो फेरस को लूट के क्या बना देगा फेरिक और उसका धुआ हुआ इलेक्ट्रॉन ये खुद लेके ये बन जाएगा इसको रास्ते में मान लो फ़ेरस नहीं मिला आई निगेटिव मिल गया तो उसको क्या बना देगा आई टू बना देगा खुद मजे करेगा वो भी नहीं मिला तो मान लो इसको रास्ते में कौन मिल गया स्टेनस तो स्टेनस को लूट के क्या बना देगा स्टेनिक बना देगा और खुद क्या बन जाएगा वैसा बन जाएगा ये भी इसको रास्ते में ना मिला तो H2S मिल गया H2S का इलेक्ट्रॉन लूट लेगा सल्फ़र बना देगा माइनस टू से सल्फ़र जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट ये भी ना मिला नाइट्राइट मिला इसको एनओ टू नेगेटिव तो नाइट्रेट बना देगा एनओ थ्री नेगेटिव क्योंकि नाइट्राइट में ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री है और वहाँ प्लस फाइव है ये भी ना मिला तो सल्फाइट का तो करा ही चुका हूँ मैं सल्फाइट मिल जाएगा एसो थ्री टू नेगेटिव सल्फेट बना देगा एसो फोर टू नेगेटिव आप देख रहे हैं इन सब के इलेक्ट्रॉन लूट के ये इनको ऑक्सीडाइज इन सब का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन ऑल आर अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन और केमिनोफोर का क्या हो रहा है रिडक्शन सो ऑल दीज आर रिड्यूसिंग एजेंट्स रिड्यूसिंग एजेंट ये सब रिड्यूसिंग एजेंट हैं और हमारा केमेनोफोर क्या है सोआ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माई डियर स्टूडेंट्स ये रिएक्शन जानने के बाद तीन रिएक्शन और बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनको हमें जानना अति आवश्यक है आइए देखते हैं वो तीन रिएक्शन कौन सी हैं वहीं पे गलती होती है उन तीन रिएक्शन को हम भूल के भी भुला नहीं सकते हैं पहली रिएक्शन सबसे पहले तो मैं लिख दूं इन फेंटली देखिए ये वर्ड बड़ा इम्पोर्टेंट है फेंटली एल्कलाइन फेंटली एल्कलाइन मीडियम फेंटली एल्कलाइन मीडियम और न्यूट्रल मीडियम की बात कर लें आइदर आई कैन से फेंटली एल्कलाइन मीडियम और आई कैन टॉक अबाउट न्यूट्रल मीडियम दोनों में बात एक ही होगी और वो बात क्या होगी आओ देखते हैं सपोज अगर यही आई नेगेटिव जो आई टू में कन्वर्ट हुआ है अगर ये फेंटली अल्कलाइन मीडियम में मिलता तो आयोडेट बन जाता आई ओ थ्री आयोडेट बोलते हैं याद रखिएगा बहुत इम्पोर्टेंट है मान लो थायोसल्फेट मिल जाता है एस टू ओ थ्री टू नेगेटिव किसी बच्चे को लिखना ना आता हो थायोसल्फेट तो आप क्या करेंगे आप सल्फ़ेट लीजिए सल्फेट तो जानते हैं एस ओ नेगेटिव एक ऑक्सीजन की जगह सल्फ़र लिख दीजिए तो सल्फर सल्फ़र ओ थ्री टू नेगेटिव देख रहे हैं आप एस टू ओ थ्री टू नेगेटिव तो थायोसल्फ़ेट हो गया बहुत आराम से आप लिख सकते हैं थायोसल्फ़ेट एस टू ओ थ्री टू नेगेटिव तो थायोसल्फ़ेट का ऑक्सीडेशन होके सल्फेट बन जाएगा और अगर इसको मिल जाए कौन यस इसको मिल जाए एम एन न ओ टू एम एन ओ टू तो स्टेबली होता है तो कैमेनो फोर को अगर कैसा मीडियम मिल जाए कैमनो फोर को अगर न्यूट्रल मीडियम मिला है तो कैमो फोर विल चेंज इन टू एम एन ओ टू एम एन ओ टू में चेंज हो जाएगा सो ऑल दीज रियाक्शन्स आर रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माई डियर स्टूडेंट्स तो आपको ये मेमोरी चार्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएंगे और चाहिए मुझसे कोई ज़रूरत तो मुझे बताएँगे ठीक है ऑल द बेस्ट फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें